आईपीएल में 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस बार का सीजन अब तक ठीक नहीं गया है। चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआती 5 मुकाबलों में 4 में हार मिली है और 1 में ही जीत मिल पाई है। सीजन शुरू होने से पहले टीम में जहां धाकड़ खिलाड़ी मोइन अली के जुड़ने को लेकर शंकाएं उठ रही थी, वहीं अब टीम को बड़ा झटका लगा है दीपक चाहर के चोटिल हो जाने के बाद। चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर खरीदा था, लेकिन पीठ में हुई इंजरी के कारण चाहर बीच में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्लेसमेंट की तलाश है। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए घरेलू सीरीज में भी चाहर को हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई थी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी रसिक सलाम भी चोटिल होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। केकेआर ने रसिक का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया और हर्षित राणा को साइन कर लिया है। अब सीएसके पर ही लौटते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन को आईपीएल 2022 के सीजन से पहले बड़ा झटका तब लगा था जब फ्रेंचाइजी ने सुरेश रैना को रिटेन न करने का फैसला लिया था। रैना का 2 करोड़ का बेस प्राइस था, लेकिन ऑक्शन में कोई भी खरीदार रैना को नहीं मिला। बाद में रैना ने न खेलने और कमेंट्री का फैसला लिया था, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही है कि सुरेश रैना का आईपीएल में बतौर खिलाड़ी वापसी हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें छापी गई हैं जो ये कह रही हैं कि सुरेश रैना की फिर से चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हो सकती है। दीपक चाहर बतौर ऑलराउंडर सीएसके के लिए एक एसेट की तरह थे, जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी से और तेज गेंदबाजी में दोनों तरफ की स्विंग करवाकर मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। ऐसे में टीम को भी रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑलराउंडर की तलाश होगी। सुरेश रैना भी बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बतौर बल्लेबाज तो वो आईपीएल के इतिहास में चमके ही, उन्होंने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। सुरेश रैना के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो सुरेश रैना ने 205 मैच खेले हैं, जिसमें 32.51 की एवरेज से 5,228 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 39 अर्धशतक भी शामिल हैं। रैना ने आईपीएल में 203 छक्के और 506 चौके भी लगाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो रैना ने 25 विकेट भी अपने नाम किए हैं। अगर तो सुरेश रैना सच में सीएसके में वापसी करते हैं तो टीम और फैंस के लिए खुशी की बात होगी। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि 3 और खिलाड़ी हैं जो दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़ सकते हैं, जिनकी चर्चा हो रही है। वो है ईशांत शर्मा, धवल कुलकर्णी और संदीप वॉरियर। ईशांत शर्मा भी इस सीजन में अनसोल्ड ही रहे। ईशांत शर्मा आईपीएल में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं। 93 आईपीएल मैचों में ईशांत शर्मा ने 72 विकेट अपने नाम किए। 14 T20 इंटरनेशनल मैचों में भी ईशांत शर्मा के नाम 8 विकेट दर्ज हैं। ईशांत शर्मा आईपीएल में केकेआर, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल चुके हैं। वहीं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लॉयंस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 92 मैचों में 86 विकेट चटकाए हैं। 31 साल के तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर की बात करें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खासा नाम है और आईपीएल में 5 मुकाबले भी खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 2 विकेट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास रिप्लेसमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि वो किसे अपनी टीम में शामिल करेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।